हाउ टू स्टॉप सिस्टम अपडेट इन वीवो स्मार्टफोन्स। अगर आप अपने वीवो स्मार्टफोन में सिस्टम अपडेट्स को डिसेबल करना चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि हमारा जो ऑटोमेटिकली सिस्टम अपडेट होता है वो वीवो स्मार्टफोन में ना हो सके, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से किसी भी वीवो स्मार्टफोन में जो सिस्टम अपडेट्स है उसे किस तरह से डिसेबल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ईजी है, अगर आपके पास कोई भी वीवो मोबाइल है तो आपने उसकी सेटिंग ओपन करनी है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सिस्टम अपडेट सर्च करना है। यहाँ से सिस्टम अपडेट को आपने ओपन करना है। सिस्टम अपडेट ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको ऊपर एक सेटिंग का बटन रहेगा, आपने इस सेटिंग बटन पर प्रेस करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर स्मार्ट अपग्रेड आ जाएगा। यहाँ पर आप देखते हैं कि न्यू वर्जन विल बी ऑटोमेटिकली डाउनलोडेड अवर वाईफाई एंड ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड व्हेन द फोन, मतलब कि आपके वाईफाई जब आपका वाईफाई जब कनेक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली सिस्टम अपग्रेड हो जाएगा और वो आपके मोबाइल में इंस्टॉल भी हो जाएगा। अगर आप इसे डिसेबल करना चाहते हैं तो आगे जो बटन है इसे आप यहाँ से ऑफ कर दें। ऑफ करेंगे तो उसके बाद नीचे एक और ऑप्शन होगा कि ऑटोमेटिकली डाउनलोड अपग्रेड पैकेज और वाईफाई, इसको भी आपने यहाँ से डिसेबल कर देना है। जो बटन है इसको भी आप यहाँ से टर्न ऑफ कर दें। तो यहाँ पर आपके वीवो स्मार्टफोन में जो भी सिस्टम अपडेट्स होगी, सिस्टम अपग्रेड होगा, वो डिसेबल हो जाएगा। वैसे सिस्टम अपडेट होना बहुत लाजमी है क्योंकि बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स वगैरह भी आपके यहाँ पर अपडेट हो जाते हैं जो आपकी प्राइवेसी के लिए, सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सिस्टम अपडेट को मैन्युअली अपडेट करें या इसको डिसेबल करें, तो आप इस तरह से वीवो स्मार्टफोन्स में जो सिस्टम अपडेट्स हैं उसे रोक सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।